इस लेक्चर में हम QM का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये फाइनेंशियल मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ इस तरह स्टेटमेंट है जी, नैना एंड मैना टू इन्वेस्टर हैं। दोनों 6 साल के लिए सेम अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको रिस्पेक्टिवली कंपाउंडेड एनुअली मिल रहा है 9% और 10%। हाउ मच मोर परसेंटेज अमाउंट मैना दे हैव आफ्टर 6 ईयर। हमने बताना है कि नैना से कितना ज्यादा, कितने परसेंट ज्यादा इंटरेस्ट मैना जो है वो अर्न करेगी 6 साल के बाद। तो कंपाउंडेड एनुअली की यहाँ पे बात हो रही है इंटरेस्ट की। तो कंपाउंडेड एनुअली के लिए हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है S इक्वल टू पी ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस i पावर n। यहाँ पर S हमारे पास फ्यूचर वैल्यू है, P प्रेजेंट वैल्यू है, i इंटरेस्ट रेट है और n जो है वो नंबर ऑफ ईयर है। अगर मैं यहाँ पर जो हमारे पास पहला इन्वेस्टर है नैना, उसकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ऐड किया जाए तो देखें हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू हमने 1 रुपीज ले लिया है, 1 रुपया हमने लिया है और हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो हमने यहाँ पे 9% लिया है और पावर हमने 6 लिया है क्योंकि नंबर ऑफ ईयर हमारे पास 6 थे इसलिए हमने यहाँ पे 6 लिया है। इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू जो बनेगी वो अमाउंट होगी 1.09 पावर 6। इसी तरह में जो सेकेंड इन्वेस्टर है मैना, उसकी इन्वेस्टमेंट हम ले लेते हैं। यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट 10% होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 10% है तो हमने यहाँ पे 10% ले लिया। तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी दोनों की सेम थी इसलिए हमने यहाँ पे भी 1 रुपये लिया, यहाँ पे भी 1 रुपये लिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास S जो है वो इक्वल टू होगा 1.10 पावर 6। अब हमने क्या करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैना जो है इसकी जो परसेंटेज जो है इंक्रीज कितना होगा नैना से। तो हम क्या करते हैं जो मैना की अमाउंट है फ्यूचर वैल्यू उसको माइनस कर देते हैं नैना की वैल्यू के साथ। देखिए मैं मैना की वैल्यू को नैना की वैल्यू से माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर 9.45% आएगा। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा कैलकुलेटर है, साइंटिफिक कैलकुलेटर। मैं यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, 1.10 ब्रैकेट क्लोज करते हैं, पावर हम 6 लेंगे और यहाँ पर हम माइनस लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1.09 ब्रैकेट क्लोज करके पावर को मैं 6 लेता हूँ, इक्वल टू करूंगा तो मेरे पास देखें यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो 0.0944 आएगी। आपने क्या करना है, आपने जो आंस है इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास वैल्यू जो है 9.4460 आएगी। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास 9.45 वैल्यू आएगी जो कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है। तो इस मेथड को यूज करके आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप QM के जितने भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेना चाहते हैं तो भी हमें व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करें, आपको तमाम की तमाम क्वेश्चन की जो डिटेल है सेंड कर दी जाएगी। अगर आप इसी तरह की मजीद वीडियो से अपडेट करना चाहते हैं तो भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।